तो हाय गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। तो आज हम लोग दिखाने वाले हैं कि गाइस हम लोग को म्यूटू कैसे जल्दी मिले। तो गाइस, अगर हर किसी को इस गेम में चाहिए होता है एक म्यूटू आर टू, तो गाइस म्यूटू जो है एक बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन होने के साथ साथ उसकी जो एबिलिटीज़ हैं और मूव्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि हमें कैसे जल्दी म्यूटू को मेगा आर सिक्स करना है या फिर कैसे जल्दी आर टू करना है। तो जो ए सर्वर्स हैं उनके लिए तो ये आर सिक्स ही मैक्सिमम हो पाएगा, और जो हमारे एस सर्वर के हैं तो उनके लिए आर टू हो पाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप हर महीने कम से कम आप एक मेगा म्यूटू तो कर ही लोगे, क्योंकि भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एक दिन में एक मेगा म्यूटू करो। अदर देन आप अगर स्पेंड करते हो तो, अगर स्पेंड करते हो तो मैं बता दूँ आपको शायद हार्डली 5-6-7 डॉलर में आपको मिल जाएगा कुछ म्यूटू। तो मैं ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पैसे खर्च करो कुछ पोकेमॉन्स के लिए, क्योंकि उससे अच्छा रहेगा कि आप किसी की मदद कर दो उस पैसों से। तो गेम पर इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको कुछ तरीके से बताऊँगा। तो पहले जो चीज़ है आपको जाननी ज़रूरी है कि 10 म्यूटू तो हमें ऐसे ही वाइल्ड में ही मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो हमारा मेगा एवकिन 1 तो इधर ही वाइल्ड से ही हो जाता है। तो फिर बात आती है भाई हमें दूसरे जो म्यूटूज़ हैं वो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं टोटल आपको 4 से 5 तरीके बता दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो कैप्सूल पॉइंट वाला जो है वो हमें पूरे महीने अगर हम कोशिश करें तो सिर्फ एक ही म्यूटू हमें मिल सकता है। ठीक है, कैप्सूल पॉइंट वाला आपको वहाँ से एक म्यूटू मिल जाएगा, और वहाँ से आपको 10 म्यूटू मिल जा रहे हैं वाइल्ड से। और बाकी जो म्यूटू हैं वो आपको लेने हैं गाइड वॉर से। और एक और तरीका है जो मैं आपको एंड में बताऊँगा, वो जो ट्रिक है वो आपका भाई हमेशा यूज़ करता है, उसी के यूज़ करने से वही जब से अपडेट में वो मिला है तब से यूज़ कर करके आपके भाई ने अपने VIP 0 वाले अकाउंट में एक मेगा म्यूटू एलॉय को एवकेन 2 करने की, जितने एवकेन 2 करने के लिए जितने भी म्यूटू चाहिए उतने वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको ये सब बताऊँगा। तो सबसे पहले जो बता दो आपको, गाइड वार में आपको जो गिल्ड वार होता है आपको वहाँ पर जाना है, अपने किसी एक स्ट्रॉन्ग जो गिल्ड में होता है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और मेम्बर होना है। और अगर आपके लेवल कम है तो मैं बता दूँ तो ऑब्वियसली अगर आपका लेवल कम है तो आपको शायद स्ट्रॉन्ग वाले गिल्ड नहीं लेंगे। अगर आपका अगर लेवल हाई है, अगर 70 के पास आसपास है तो आपको ज़रूर ले लेंगे वो लोग। अगर 69 के आसपास भी है तो वो लोग ले लेंगे। तो वहाँ से आप अगर 2 हफ्ते में तो आपको एक म्यूटू मिल ही जाता है अगर आप अच्छे गिल्ड में रहते हो, और वो लोग अगर आपकी हेल्प करेंगे कि म्यूटू लेने में तो आपको 2 हफ्ते में एक म्यूटू तो मिल ही जाएगा। फिर आता है बात हमारा जो लास्ट वाला जो ट्रिक है, और वो सबसे बेहतरीन ट्रिक है अगर मैं बता दूँ तो। आपको जाना है अपने जो ट्रेजर सेक्शन में, आपको दिख जाएगा जैसे ही आप अपने गेम खोलते हो, आप जब होम पेज पे होते हो आपको ऊपर बहुत सारे साइंस दिखते हैं जहाँ पर बेस होता है, फ्रेंड्स होते हैं या फिर मेल होता है, वहीं पर आपको ट्रेजर ऑप्शन भी मिल जाएगा ट्रेजर हंट का। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको हमेशा जो रेड वाला रिगल जो ट्रेजर हंट है टिकट है आपको उसी को यूज़ करना है। उससे चांसेस क्या होते हैं कि आपके पास वहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंस रिवॉर्ड्स होते हैं, चाहे क्रिस्टल्स होते हैं, कई बार कूपन्स होते हैं जो कैप्सूल स्टेशन के कूपन्स होते हैं, या फिर जो वर्सेटाइल स्टेट्स वगैरह होते हैं। तो आपको वहाँ से फ़ायदा ये है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अपने जो जितने क्रिस्टल्स आप खर्च करते हो वहाँ पर ट्रेजर हंट रिगल ट्रेजर जो रिगल जो टिकट है उसको लाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्रीन वाला टिकट है आपको उस पर क्रिस्टल खर्च करके उसे रेड वाले पर लाते हो, तो जितना आप यहाँ वो वेस्ट करते हो क्रिस्टल वो आपको बाद में हंट करने के बाद मिल जाता है। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो जो 50 कैप्सूल स्टेशन पॉइंट्स वाला जो है वो मिल जाए। तो कोशिश हमेशा यही कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड वाला ही हंट करें, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों को कैप्सूल पॉइंट जो 50 मिल जाता है। अगर 50 आपको 10 बार में मिल जाए तो गाइस एक हफ्ते में 10 बार में मिल जाता है तो आपको एक म्यूटू मिल जाता है 10 दिन में। तो ये आपके ऊपर ही होता है। तो मैं हमेशा कहूँ कि क्रिस्टल्स बचा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर हार्डली सिर्फ 500 या फिर 600 क्रिस्टल्स खर्च करते हो आप, बदले में आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको 50 कैप्सूल स्टेशन पॉइंट्स मिल जाएं। पर अगर आप वहीं जाते हो अगर स्टेशन पर यूज़ करते हो तो आपको 1500 क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 50 जो हमारे कैप्सूल स्टेशन पॉइंट्स है। तो यहाँ पर अगर उसे देखा जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा सस्ता है और थोड़ा बेहतर भी है, पर ये लक के ऊपर है। अगर आपका लक बहुत ही अच्छा होता है कि आपको अपने लक पर भरोसा है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा लक तो जैसे भी है मेरे को लगता है कि मेरा लक बहुत ही अच्छा है। तो गाइस आपको भी कोशिश यही करना है कि आपको जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सके आपको रेड वाला ही यूज़ करना है, और
अगर और एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको जो है कि आपको अपने स्टोर में कई भी बहुत बार दिखते होंगे कि डबल एस आर पो की बोन्स के स्लेट्स आते हैं, अगर आपका जो फीटर्स वगैरह हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं तो आप वहाँ से जो नॉर्मल डबल एस आर पो की मोन्स हैं उनके स्लेट्स ले सकते हो और उनको म्यू टू के स्लेट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। भले ही यह ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, पर अगर आपको जल्दी एक आर टू म्यू टू चाहिए या फिर आर सिक्स मेगा म्यू टू चाहिए तो आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा और वी आई पी जीरोज या फिर जो पैसे खर्च करना नहीं चाहते उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अगर आपको म्यू टू चाहिए तो आपको ये लेना पड़ेगा।